मूवी में हमें दिखाया जाता है 1986 का ईस्ट जावा, जहाँ सुजैना नाम की एक लड़की सूर्या नाम के एक लोकल रेसलर से प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सुजैना के पेरेंट्स बहुत गरीब हैं और उसके डैड को जुए की आदत है, जिसकी वजह से उसके ऊपर गांव के अमीर जमींदार आर्यो का बहुत सारा कर्ज है। उसने अपने गुंडों को सुजैना के डैड से वसूली करने भेजा है, तो सूर्या उन्हें अपनी बकरी गिरवी देकर पैसों का इंतजाम करने के लिए थोड़ी मोहलत मांग लेता है। फिर हम सुजैना और उसके पेरेंट्स को आर्यो के घर पर देखते हैं, क्योंकि उसने उन्हें डिनर पर बुलाया है। सुजैना का डैड आर्यो से कहता है कि वो उसका कर्जा नहीं चुका सकता, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। यहाँ आर्यो उससे कहता है कि वो पैसे की बजाय कुछ और दे सकता है, और वो है सुजैना का हाथ उसकी शादी के लिए, क्योंकि उसकी पहली बीवी से उसे कोई औलाद नहीं है और उसे अपनी इस सारी जायदाद के लिए एक वारिस चाहिए। अब क्योंकि सुजैना की फैमिली के पास और कोई रास्ता नहीं है, तो वो भी शहीद होने के लिए राजी हो जाती है। और ये सारा अरेंजमेंट आर्यो की पहली बीवी मिनाटी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो जादूगर गोगो जैसे दिखने वाले एक शैमन के पास जाती है। मिनाटी उसे हायर कर लेती है सुजैना पर काला जादू करने के लिए। इधर आर्यो और सुजैना की शादी का सेलिब्रेशन चल रहा होता है, जहाँ पर सूर्या सिर फिरे मजनू की तरह आकर बवाल काटने लगता है और आर्यो के गुंडों से लड़ने लगता है। एक पॉइंट पर उसे पकड़ लिया जाता है और आर्यो गब्बर सिंह बनकर ठाकुर की तरह उसके हाथ काटने वाला होता है, लेकिन सुजैना बीच में आ जाती है और कहती है कि वो उसे छोड़ दे, इसके बदले वो जो चाहेगा वो करेगी। तो आर्यो सूर्या को छोड़ देता है। दूसरी ओर मिनाटी अपनी मेट से सुजैना की कंघी मंगवा लेती है, जिसमे उसके बाल है, ताकि वो उन्हें सुजैना के ऊपर काला जादू करने के लिए इस्तेमाल कर सके। अगले दिन सुजैना सोकर उठती है तो उसे अपनी शीट में कुछ मूव करता हुआ दिखता है। वो शीट हटाती है तो उसके बिस्तर में बहुत सारे सांप होते हैं। वो बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश करती है तो जमीन पर भी सब जगह सांप ही सांप हैं। वो किसी तरह चीखते चिल्लाते वहाँ से बाहर निकलती है अपनी जान बचाकर। थोड़ा वक्त बीतता है और हार्वेस्ट फेस्टिवल में आर्यो सबको खुशखबरी देता है कि वो फादर बनने वाला है। सूर्या जो अपनी मजनू जैसी हालत में घूमते फिरते वहाँ आ जाता है, वो भी ये सुनता है और बहुत दुखी होता है। इधर मिनाटी भी इस प्रेगनेंसी की खबर से पूरी तरह जलकुकड़ी हो गई है। वो चाहती है कि जादूगर गोगो सुजैना को बहुत ही दर्दनाक मौत दे। उधर सुजैना का गला चोक होने लगता है और उसमें से बालों का एक गुच्छा निकलता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उस पर कोई काला जादू कर रहा है। कुछ दिन बाद वो अपनी मेड रति के साथ मार्केट जाती है, जहां उसे सूर्या दिखता है। वो उसे बालों का वो गुच्छा दिखाती है जो उसके मुंह से निकला था, और उसे अपने ऊपर हो रहे काले जादू के बारे में बताती है। सूर्या जो उससे आज भी पहले जैसा प्यार करता है, उसकी मदद करने का वादा करता है। थोड़ा और वक्त बीतता है और सुजैना का डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा है। इधर मिनाटी को डर है कि अगर सुजैना ने बेबी को जन्म दे दिया तो उसकी आर्यो की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, तो वो गोगो से कहती है कि वो जल्द से जल्द अपना सबसे खतरनाक जादू करके सुजैना को रास्ते से हटाए। तो गोगो कहता है कि इसके लिए उसे वनस्पति श्राप करना होगा और उसकी अलग कीमत लगेगी। मिनाटी पूछती है कि क्या कीमत। यहाँ गोगो कहता है कि उसे उसके साथ सोना पड़ेगा। तो मिनाटी पहले तो उसे दो चार गालियां देती है, लेकिन फिर राजी हो जाती है। उधर सुजैना को लेबर पेंस शुरू हो जाते हैं। इधर जादूगर गोगो अपना जादू करने लगता है, जिसमें वो एक मुर्गे की बलि देने लगता है और इस दौरान उस बेचारे को दो चार झापड़ भी जड़ देता है। उधर सुजैना का बेबी बम्प मूव करके उसकी बैक में चला जाता है और फिर वो फट जाता है, पर उसका बेबी जिंदा होता है, जिसे मेट्स वहाँ से ले जाती है। आर्यो ये सब देखकर शॉक रह जाता है और मिनाटी से पूछता है कि ये सब क्या हुआ। अब मिनाटी उल्टा सारा दोष सुजैना पर मढ़ने लगती है, ये कहते हुए कि वो काले जादू का इस्तेमाल कर रही होगी हमें हर्ट करने के लिए। तभी तो उसने क्लिवान फ्राइडे की रात को बेबी को जन्म दिया है। आर्यो उससे बच्चे के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि बेबी ठीक है और सो रही है। ये सुनकर आर्यो डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि वारिस से उसका मतलब बेटे से था। मिनाटी कहती है कि शायद किस्मत को वो मंजूर नहीं था। तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं लाश को ठिकाने लगा दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि सुजैना की मौत कैसे हुई। अगले दिन सूर्या आर्यो के घर के बाहर सुजैना की मेड रति से मिलता है और उसे सुजैना की प्रोटेक्शन के लिए कुछ सामान देता है, पर वो उसे रोते हुए बताती है कि सुजैना के काले जादू की वजह से मौत हो चुकी है। सूर्या अपना आपा खो देता है और रति के बताए मुताबिक उस जगह जाता है जहाँ सुजैना को दफनाया गया है। वो सुजैना की कब्र खोदकर उसकी बॉडी निकाल लेता है और उससे लिपटकर रोने लगता है। फिर वो उसकी बॉडी को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक मेल वॉइस सुनाई देती है, जो उसे बताती है कि उसका नाम शामिल है, यानी कि डेथ। सूर्या कहता है कि मतलब तुम इब्लिस शैतान हो। तो वो आवाज कहती है कि तुम्हारी लवर की मौत काले जादू से हुई है, क्या तुम नहीं चाहते कि जिसने उसके साथ ये किया है वो उससे उसका बदला ले।
मैं तुम्हारी लवर को वापस ला सकता हूँ, बस बदले में तुम मुझे वो बेबी दे देना जिसको उसने जन्म दिया था। सूर्या राजी हो जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह सुजाना को वापस अपनी जिंदगी में चाहता है। तो इब्लिस सुजाना को जिंदा कर देता है और क्योंकि अब वो लिटरली एक भूत है तो उसके पास सुपर पावर्स भी हैं। वो सूर्या से पूछती है कि वो जिंदा कैसे हो गई, तो वो उसे शैतान से की हुई डील के बारे में बता देता है, पर सिर्फ आधा पार्ट। वो उससे बेबी के बारे में हुई डील के बारे में कुछ नहीं कहता और कहता है कि चाहे तुम इंसानी रूप में हो या किसी और रूप में, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सुजाना कहती है कि वो भी उसके साथ रहना चाहती है, पर पहले उसे अपने बेबी को बचाना है। वो आर्यो और मिनाटी के पास उसे नहीं छोड़ सकती। अब सूर्या सुजाना की मेडरती से मिलता है और उसे सुजाना के घोस्ट के पास ले जाता है। वो पहले तो उसे देखकर डर जाती है, पर फिर सूर्या उसे बताता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगी। रति सुजाना को बताती है कि उसने कई बार मिनाटी को उसके बेबी को हर्ट करने की कोशिश करते हुए देखा है और जिस शामिन ने उस पर काला जादू किया था उससे उसने मिनाटी को मिलते हुए भी देखा है और वो जंगल के पास एक झोपड़ी में रहता है। उसने आर्यो के घर पर प्रोटेक्शन स्पेल किया हुआ है जिस वजह से सुजाना का भूत घर के अंदर एंटर नहीं कर सकता। अब सूर्या रति के साथ जादूगर गोगो के पास जाता है और उसे वो प्रोटेक्शन स्पेल हटाने को कहता है क्योंकि आर्यो और मिनाटी ने एक माँ को उसके बच्चे से दूर किया है और अब उसकी स्पिरिट अपने बच्चे को लेने आ गई है और अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। गोगो कहता है कि आज एक घंटा मेरा, जब तक मेरे गले में ये लॉकेट है वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। अब सूर्या उसे मारने के लिए चाकू उठा लेता है, पर गोगो अपने जादू से उसकी कलाई मरोड़ देता है और उसके पेट में तलवार घुसाने वाला होता है, लेकिन रति बीच में आ जाती है और खुद की कुर्बानी देकर सूर्या को बचा लेती है। वो गोगो के गले से उसका लॉकेट निकाल कर आग में फेंक कर उसका फट स्वाहा कर देती है। गोगो फिर से सूर्या को मारने वाला होता है, तभी सुजैना वहाँ एंटर करने में कामयाब हो जाती है क्योंकि गोगो का लॉकेट अब तक जल चुका है और वो गोगो की मुंडी पकड़ के उसे तरबूजे की तरह फोड़ देती है और उसे रेस्ट इन पीस पीसेस कर देती है। फिर हम दो चंगू मंगू पुलिस वालों को देखते हैं जो अपनी रात की ड्यूटी बजा रहे होते हैं और वो सुजैना को जंगल में जाते देखते हैं। उन्हें सुजैना की डेथ के बारे में नहीं पता तो वो सोचते हैं कि जमींदार की लुगाई कहाँ जा रही है इतनी रात को। वो सुजैना के पास जाते हैं तो सुजैना उनसे कहती है कि उसका अपने पति से झगड़ा हो गया है, इसीलिए वो घर नहीं जाना चाहती। चंगू मंगू को लगता है कि जमींदार परेशान हो रहा होगा, अगर हम उसे इसकी लोकेशन देंगे तो वो खुश होकर हम पर जो कर्जा है वो हटा देगा। जब आर्यो को पता चलता है कि सुजाना जिंदा है तो वो चेक करने जाता है, पर जैसे ही सुजाना मुड़ती है उसने शेप शिफ्ट कर लिया होता है। वो आर्यो को किसी और लड़की के रूप में दिखती है, पर चंगू मंगू को वो सुजाना जैसी ही दिखती है। आर्यो उन दोनों को डांट लगाता है उसका वक्त बर्बाद करने के लिए और जाते जाते उसका गार्ड उन दोनों को बताता है कि सुजाना तो मर चुकी है। अब वो दोनों चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहीं सुजाना कोई भूत तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो उसे पकड़कर गांव वालों के सामने हीरो बन सकते हैं। चंगू ने अपनी नानी से सुना था कि मरे हुए आदमी की राख से भूत को जलाया जा सकता है, तो वो पानी में राख मिलाकर सुजाना को पिलाने की कोशिश करते हैं, पर सुजैना को उनकी करतूत का पता चल जाता है और वो उन दोनों के सामने अपने असली रूप में आ जाती है। चंगू मंगू डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, तभी सूर्या वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि सुजैना उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, उसे बस उनकी मदद चाहिए। आर्यो के घर में एंटर करने के लिए सूर्या उन दोनों को सुजैना के साथ क्या हुआ सब बताता है, तो वो दोनों उसका दर्द समझकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले क्लिवॉन की रात गाँव में मेला लगा हुआ है, ये एक फेस्टिव ओकेजन है और ऐसा माना जाता है कि पूर्वज इस रात अपनी फैमिलीज को विजिट करते हैं। चंगू मंगू आर्यो के सिक्योरिटी गार्ड्स को मेले में भेज देते हैं ये बोलकर कि तुम लोग जाओ ऐश करो और तुम्हारी जगह हम यहाँ खड़े रहेंगे। फिर सुजैना रति का रूप लेकर आर्यो के घर में एंटर कर जाती है, पर उसे ये नहीं पता था कि मिनाटी को जादूगर गोगो की डेथ के बारे में पता चल गया है और उसने आर्यो को भी इस बारे में बता दिया था कि उसका किया हुआ प्रोटेक्शन स्पेल उनके घर से हट गया है। तो उसने एक और शैमन को हायर कर लिया है ताकि सुजैना अपने बेबी तक ना पहुंच सके। उसने तीन लोहे की कील तैयार की है जो सुजैना की इस नई जिंदगी को खत्म कर सकती है। सुजैना रति के रूप में हर जगह अपने बेबी को ढूंढने लगती है, पर वो उसे नहीं मिलती। इधर मिनाटी को रति पर शक हो जाता है, तो वो शैमन के दिए हुए आईने में उसकी इमेज चेक करती है, तो उसमें उसे सुजैना का रिफ्लेक्शन दिखता है और वो डर के मारे जाकर बाथरूम में छिप जाती है। सूर्या भी घर के अंदर चला जाता है ताकि अगर सुजैना पकड़ी जाए तो वो उसकी मदद कर सके।
तभी आर्यो वापस आ जाता है और मिनाटी उसे सुजैना के बारे में बताती है। इसी बीच उस शामिन को भी अपनी ताकत से पता चल जाता है कि सुजैना घर में एंटर कर चुकी है। वो वहाँ आकर सुजैना को 2 कीलों से घायल कर देता है और जैसे ही वो उसके सर में तीसरी कील गाड़ने वाला होता है, सूर्या उसे आर्यो की गन लेकर गोली मार देता है। अब सुजैना आर्यो और मिनाटी के खून की प्यासी हो जाती है। वो आर्यो को बहुत दर्दनाक मौत देती है। ये देखकर मिनाटी सुजैना के बेबी को लेकर वहाँ से भागने लगती है और उसे धमकी देती है कि वो उसके बेबी को मार देगी, पर सुजैना उसे नहीं बख्शने वाली। मिनाटी उसके बेबी को हवा में उछाल देती है, पर इससे पहले कि बेबी जमीन पर गिरे, सुजैना अपनी ताकत से उसके नीचे सूखी घास बिछा देती है और बेबी बच जाती है। अब सुजैना का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो पता नहीं क्यों एक फूल खाती है, क्यों भूत कम्युनिटी का नाम डुबा रही है, इंसान खा। खैर, फिर वो मिनाटी की बॉडी को पजेस कर लेती है और फिर उसकी बैग को फाड़कर वैसे ही निकलती है जैसे उसकी मौत का सीन हुआ था। मिनाटी मर जाती है और सुजैना का बदला पूरा हो जाता है। वो अपनी बच्चे को गोद में लेती है और सूर्या से कहती है कि वो खुद को और इस बेबी को मार दे, तभी वो तीनों आराम से साथ रह पाएंगे। वो चाहता था ना हमेशा उसके साथ रहना। अब सूर्या उसे गले लगा लेता है और अचानक सुजैना के सर में शामन की बनाई हुई कील घुसाकर उसे मार डालता है, क्योंकि वो उस छोटी बच्ची को नहीं मार सकता था, ना ही उसे शैतान के हवाले कर सकता था। उसे एहसास हो गया था कि सुजैना को वापस लाकर उसने नेचर के रूल के खिलाफ काम किया है और सुजैना की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उस बच्ची का ध्यान रख पाती। इसीलिए उसने शैतान के साथ की हुई डील को ब्रेक ना करते हुए वो जिंदगी जो उसने उस बच्ची की जान के बदले मांगी थी वो वापस कर दी। सूर्या उस शैतान से कहता है कि वो उस बच्ची को अपनी औलाद की तरह पालेगा और जब एक दिन वो मर जाएगा तो वो बदले में उसकी सोल ले सकता है, पर जब तक वो जिंदा है वो उस बच्ची को हर खुशी देने की कोशिश करेगा। उसे सुजैना के बिना जीना होगा और यही उसकी सजा होगी इस दुनिया में एक शैतान से सौदा करने की। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई है और वो सूर्या को उसकी रेसलिंग मैच में वैसे ही चीयर कर रही है जैसे सुजैना करती थी। वो बिल्कुल सुजैना की परछाई है और सूर्या और उसकी बेटी बहुत खुश है। और इसी हैप्पी नोट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।